अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएच वर्ल्ड। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है अचारी मटन की। तो बड़ा मज़ा आएगा बनाने में और बहुत ही लाजवाब और टेस्टी डिश है ये। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चलते हैं अपनी किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो ये रहा हमारा हाफ के जी मटन, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसी के साथ हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमने कूटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून कुटे हुए लाल मिर्च लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा पाउडर। साथ में साबुत मसाले में हमने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून हमने लिया है मेथी, 1 टीस्पून हमने कलौंजी लिया है, 6 से 7 लाल मिर्च लिए हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 हरी इलायची ली है और 1 काली इलायची ली है और साथ ही हमने लिया है 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 कप हमने लिया है दही और हमने लिया है 2 टमाटर इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड हमने प्रेशर कुकर में ऑयल को रख दिया है और ये हमारा ऑयल भी अच्छे से हीट हो गया है। हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे जो यूज़ कर लें। यहाँ पे ऑयल हमारा हीट हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मटन और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे काफ़ी पानी रिलीज़ होगा, हमें वो पूरा पानी इसमें बिल्कुल ड्राई कर देना है। अब इस स्टेज पे आने के बाद हमने जो भी मसाले आप लोगों को दिखाए थे वो सारे मसाले मटन में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले और जो मटन है वो आपस में मिल जाए और मसाले में भी थोड़ा सा जो कच्चापन हो वो थोड़ा सा भुन जाए, थोड़ा सा पक जाए। और इसी के साथ फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तक नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। साथ ही हम इसमें डालेंगे जो हमने साबुत मसाले दिखाए थे वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत लाजवाब, आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। तो चलें आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे टमाटर जो हमने कट करके रखे थे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मटन के साथ थोड़ा सा भून लेंगे और सच्ची बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही 1/2 कप। तो दही जाते ही देखें हमारा मटन कितना खेल उठा, कितना खुश है, दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और ज़्यादा नहीं, आपको जितना रखना है, और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर दें, लगाएंगे 3 से 4 सीटी और उसके बाद चेक कर दें। चलें थोड़ा सा वेट करते हैं। तो 4 सीटी आने के बाद हमारा मटन सॉफ्ट हो गया है अच्छे से और देखें इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं है और इसको हमने अच्छे से थोड़ा सा और भून लेना है और ये हमारा रेडी हो गया है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक कद्दूकस किए हुए, उसके छिलके उतार लेने हैं, उसको कद्दूकस करके ऊपर से डालेंगे तो इसका खुशबू, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा रेडी है और चलें करते हैं इसको हम डिश आउट। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारा अचारी मटन, बहुत ही लाजवाब बना है। आप सब भी ज़रूर ट्राई करें और खाएं, खिलाएं, खूब मज़े करें, मज़े कराएं और इसी तरह से मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देते रहें, बहुत सारा सपोर्ट देते रहें। और रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों में मेरा चैनल शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ और बहुत सारा सपोर्ट दें हमें। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।